हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सोने के आभूषण को पैरों में क्यों नहीं पहना जाता है। ये कभी सोचा है आपने? चांदी के आभूषण को ही पैरों में क्यों पहना जाता है, ये सोचा है आपने? आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसके क्या कारण है। इसके दो महत्वपूर्ण कारण है, पहला वैज्ञानिक कारण, सेकंड धार्मिक कारण। फर्स्ट हम बात करेंगे वैज्ञानिक कारण। हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में भी कहा जाता है कि पेट गर्म, पेट नरम और सिर ठंडा होना चाहिए। अपने जो सोने के आभूषण पहनते हैं वो कमर से ऊपर ऊपर पहन सकते हैं, हाथों में पहन सकते हैं, यहाँ पहन सकते हैं, और चांदी के आभूषण पैरों में पहनते हैं। आयुर्वेद में कहते हैं कि अपने, और विज्ञान में भी कहते हैं कि अपनी ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो जब अपन महिलाएं और जब पुरुष नीचे पैरों में चांदी के जेवर पहनते हैं तो चांदी एक ठंडी प्रकृति मानी जाती है और सोना एक गर्म प्रकृति का माना जाता है। जब आप चांदी पहनते हैं नीचे पैरों में तो जो वो ठंडक है, वो ठंडक नीचे से ऊपर की ओर आती है, तो अपने सिर को ठंडा करती है वो और पैरों को गर्म करती है। इसीलिए जो ठंडी प्रकृति की चीज़ है वो नीचे पहनी जाती है। और दूसरा कारण यह है कि जब अपन चलते हैं तो जो चांदी के जो जेवर पहने हुए होते हैं अपने अंगुलियों में, वो तो एक रगड़ होती है, उस रगड़ से भी अपनी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती है। इसीलिए चांदी के जो जेवर हैं, चांदी की जो ज्वेलरी है वो पैरों में पहनी जाती है, ताकि जो अपने शरीर को ठंडक मिले, नीचे से ठंडक ऊपर तक आए, और अपना जो दिमाग है, अपना मन मस्तिष्क है वो शांत रहे, वो ठंडा रहे। सेकंड, इसका एक धार्मिक कारण, सोना एक पीली धातु है। यह भगवान नारायण को बहुत प्रिय है और सोना को भगवान लक्ष्मी का भी रूप माना जाता है। इसीलिए अगर इनको पैरों में, सोने को अगर पैरों में पहनेंगे तो भगवान लक्ष्मी और भगवान नारायण का अपमान हो सकता है। इसीलिए इनको, सोने को कभी पैरों में नहीं पहना जाता है। तो इसका एक धार्मिक कारण भी है। इसी के साथ, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।